नमस्कार सभी भैया बहनों का ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। अगले हमने इसी वीडियो में कक्षा तृतीय विषय पर्यावरण में पढ़ा था मित्रता के बारे में। मित्रता यानी दोस्ती, जो श्री कृष्ण भगवान और सुदाम के बारे में मैंने आपको छोटी सी कहानी बताई थी, जिसमें कृष्ण भगवान किस प्रकार सुदामा का सहायता करता है। सुदामा जी की गरीब होते थे और कृष्ण भगवान के पास गए, उन्होंने किस प्रकार उसकी सहायता करी। तो मित्र हमारे किस प्रकार सहायता करते हैं, ये तो था इंसानों की मित्रता। क्या आपने कभी इंसानों और जानवरों की मित्रता देखी है या सुनी है? नहीं सुनी होगी। आज मैं आप छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। गोपाल नाम का एक भैया था जो अपने घर में एक गाय पाल रखी और उस गाय का नाम रखा था कावेरी। कावेरी को बहुत ही लाड दुलार प्यार करता था, उसके पास में बैठता था, उसको शरीर के ऊपर हाथ चलाता था, गले में हाथ चलाता था। उसका बच्चा छोटा सा था, उससे भी बहुत प्यार करता था और हरी हरी घास खिलाता था गाय को। गाय घास खिलाते समय भी उस गाय के शरीर के ऊपर हाथ घुमाते हुए चलाता था। गाय बहुत ही उसकी अच्छी मित्र बन गई। एक दिन क्या हुआ कि गोपाल विद्यालय जा रहा था, उसको आने में देरी हो गई। देरी होते वो गाय घर के इधर उधर देखने लगी, दरवाजे की तरफ देखने लगी और रंभाने लगी। उसकी गोपाल की माँ देख रही थी, आज गाय क्यों रंभा रही है, लेकिन उनको कोई पता नहीं चला। फिर गाय ने थोड़ी देर उधर देखा, उसको रहा नहीं गया गोपाल के बिना। उसने चोर लगा करके उस रस्सी खूंटे से बंधी थी उसको तोड़ करके गाय भाग गई। तो गोपाल की माँ भी उसके पीछे पीछे भाग गई, लेकिन गोपाल की माँ को वो गाय नहीं मिली। गोपाल की माँ थक करके वापस घर आई, बैठ गई। बैठने के बाद में थोड़ी देर देखती रही गाय की आएगी, और कुछ समय निकला तो दरवाजे की तरफ देख रही है कि गोपाल और गाय दोनों साथ साथ में आ रहे थे। उसकी माँ समझ गई कि क्या है, कि गोपाल के बिना गाय नहीं रह सकती, इसलिए गाय बेचैन थी गोपाल के देरी से आने के कारण। तो हम जिस प्रकार जानवरों से जैसा व्यवहार करते हैं, जानवर भी अपने प्रति ऐसा ही बर्ताव करते हैं। जानवर के प्रति हम अच्छे प्यार करेंगे, दोस्ती रखेंगे, जानवर में अच्छे दोस्त मित्र बन सकते हैं। बनते कि नहीं बनते हैं? आपने देखा होगा घरों में लोग जानवरों को पक्षियों को पालते हैं। पालते हैं? एक तोता होता है तो तोते को सारे घर में सदस्य दिखते हैं, लेकिन जो जिस जो आए व्यक्ति उसको खिलाएगा अच्छी अच्छी चीज खिलाएगा, उसको लाड दुलार करेगा, उसका हाथ घुमाएगा, प्यार करेगा, तो तोता भी उसका मित्र बन जाएगा। जब भी वो घर में नहीं दिखता तो टैट 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 की आवाज करता है, और जब भी वो आता है तो वो पंख फैला करके खुश होता है और उधर उधर पिंजरे में चारों तरफ घूमता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति उसका व्यवहार अच्छा था, मित्र बन गया दोनों। आपने कुत्ते को भी देखा होगा, घरों में लोग कुत्ते पालते हैं, तो जो व्यक्ति घर में उसको घुमाता है सुबह शाम, उसको खाना खिलाता है, दूध पिलाता है, तो उसका अच्छा वो मित्र बन जाता है। मित्र बनते ही उसके प्रति रह नहीं सकता, जब भी वो घर में नहीं दिखेगा तो उधर उधर घूमेगा, बेचैन बैठा रहेगा, और घर वाले कोई उसको खाना खिलाएंगे या दूध पिलाएंगे तो वो नहीं पीता है। जब भी वो व्यक्ति आएगा तो उसके पास में बैठ करके वो दूध पीता है या खाना खाता है। तो हमें भी जानवर के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, तो जानवर भी हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं। बनते हैं ना? बन सकते हैं। तो हमें जानवर के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, जानवर को सताना नहीं चाहिए। फिर आता है दूसरा, स्वामी भक्ति। स्वामी भक्ति के बारे में भी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप थे, उनका एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, जिसका नाम था चेतक। वो महाराणा प्रताप का इतना प्रिय घोड़ा था
कि महाराणा प्रताप के बिना घोड़ा नहीं रह सकता था और महाराणा प्रताप चित्र के बिना नहीं रह सकते थे। उनकी इतनी गहरी मित्रता स्वामी भक्ति हुई थी कि चारों तरफ उनकी चर्चा हो रही थी। एक बार क्या हुआ, मेवाड़ में हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा अकबर के बीच में। लड़ाई करते 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 चित्र घोड़ा था उसके पैर में चकमा हो गया, लग गई चोट लग गई, लेकिन चेतक हिला तक नहीं। जख्मी होता वो भी उसने लड़ाई करते करते उसने सोचा कि अब प्राण निकलने वाले हैं, तो महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित स्थान पर दूर जंगल की ओर ले गया। और वहां जंगल में जाते जाते समय उसने देखा कि आगे बहुत बड़ी खाई, उसको कूदना, ऐसे साधारण नहीं कूदा जा सकता। लेकिन अपनी स्वामी भक्ति व मित्रता के कारण चेतक ने एक छलांग में उस नाले को पार कर दिया। बड़ा सा नाला था खाई टाइप का, तो उसने एक छलांग में उसको पार कर दिया। पार करते चेतक घोड़ा थोड़ी देर आगे जाकर के गिर गया। गिरते ही क्या हुआ, महाराणा प्रताप खड़े हुए और देखा कि थोड़ी देर बाद में उस चेतक के प्राण निकल गए। प्राण निकलने के बाद में उस महाराणा प्रताप भी बहुत रोए, आंसू बहाए। लेकिन क्यों, क्योंकि उस चेतक अपनी स्वामी भक्ति के कारण और मित्रता के कारण जख्मी होते हुए भी उन्हें महाराणा प्रताप को नहीं छोड़ा और दूर जाकर के उसने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे बहुत सारे कहानी आपने सुनी होगी और रियल में ऐसी घटना होती है। आपने और भी देखा होगा ऐसी ऐसी कहानियां स्वामी भक्ति और मित्रता के कारण। और चेतक घोड़े को आज हम क्यों याद करते हैं, मित्रता के कारण, स्वामी भक्ति के कारण। और चेतक घोड़े को लेकर के दिल्ली से उदयपुर जाने वाली रेलगाड़ी जो मेवाड़ में, उदयपुर से दिल्ली और दिल्ली से उदयपुर, मेवाड़ कहलाता है ये उदयपुर वाला एरिया, तो वहां एक रेलगाड़ी चलती है उसका नाम भी चेतक एक्सप्रेस रखा गया। क्यों, क्योंकि उसकी इतनी स्वामी भक्ति और मित्रता थी कि चेतक की चर्चा किताबों में देखो, देश विदेश में देखो, कई शहरों में देखो, उनके स्टेशन लगे हुए हैं। तो हमें भी जानवरों के प्रति इतना अच्छा व्यवहार रखना चाहिए कि हमारे अच्छे मित्र बन सके। जानवरों को कभी सताना नहीं चाहिए, यदि जानवरों को सताएंगे तो हमारे मित्र नहीं बन सकेंगे और उल्टा अपने को मारेंगे। तो हमें जानवरों के प्रति बहुत ही वफादार होना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, खिलाना चाहिए, दुला करना चाहिए, तो जानवर भी हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं। तो ये आज पार्ट दूसरा पूरा हो गया। अब इसके प्रश्न उत्तर जो कक्षा कार्य है, कक्षा कार्य और ग्रह कार्य, वो आपको पीडीएफ फाइल द्वारा भेज दिया जाएगा, जो आपको किताब में पाठ पढ़ करके करना है। ठीक है ना, धन्यवाद।